हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सभी कुशल मंगल होंगे। आज फिर एक बार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ऑनलाइन स्टडी में। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर पोर्शन में पार्ट ऑफ सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। मैं नौरंग सर अब समय समय पर आप सभी के बीच इंग्लिश फर्स्ट और सेकेंड पेपर के अलग अलग वीडियो लेकर आपके बीच में उपस्थित रहूंगा। जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में सेंटेंस एंड इट्स टाइप्स, वाक्य और उसके प्रकार के बारे में पढ़ चुके हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। यानी कि पार्ट्स मतलब क्या होता है? भाग। सेंटेंस यानी कि वाक्य, यानी कि वाक्य के भाग। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस वाक्य के भाग। तो बता दें कि वाक्य के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं। वाक्य मुख्य रूप से दो भागों में बटा होता है। पहले को हम कहते हैं सब्जेक्ट, दूसरे को हम कहते हैं प्रेडिकेट। हिंदी अगर देखें तो सब्जेक्ट का मतलब हुआ उद्देश्य और प्रेडिकेट का मतलब हुआ विधेय। इस तरह से सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दो भागों से मिलकर के एक पूरा पूरा सेंटेंस बनता है। तो सब्जेक्ट किसी वाक्य का वह भाग है जिसमें किसी व्यक्ति का नाम लिखते हैं। अगर हम किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट पहचानना चाहते हैं तो सब्जेक्ट जो होता है किसी भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब के पहले सब्जेक्ट होता है। जैसे अगर हम ये लिखें कि अ ब्लाइंड बॉय इज गोइंग देयर। A blind boy is going there. यानी कि एक अंधा लड़का वहां जा रहा है। तो इसमें अगर हम सब्जेक्ट ढूंढना चाहते हैं तो हमको वर्ब तलाशना होगा। वर्ब कौन है इसमें? गो भी वर्ब है, इज भी। तो ये गो मेन वर्ब है और इज हेल्पिंग वर्ब है। तो हमने कहा वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के पहले बाएं तरफ का जो भाग होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। इसके आधार पर हम कह सकते हैं ये ब्लाइंड बॉय जो होगा वो क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। एक और उदाहरण देखते हैं। हिज सिस्टर कुक्स फूड। हिज सिस्टर कुक्स फूड, इसमें हेल्पिंग वर्ब कहां है? हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो कैसे जानेंगे? मेन वर्ब ढूंढेंगे। मेन वर्ब क्या है? कुक, कुक्स। तो कुक्स के पहले जो दिख रहा है भाग अंडरलाइन पोर्शन, ये क्या कहलाएगा? हमारा सब्जेक्ट पार्ट कहलाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हेल्पिंग वर्ब या वर्ब के पहले का जो भाग होगा वो क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। अब सब्जेक्ट भी जो है दो भागों मुख्य रूप से बटा। पहले को कहा गया क्वालिफायर, दूसरे को कहा गया हेड वर्ड। अगर सब्जेक्ट में दो शब्द हो, अगर सब्जेक्ट में दो शब्द हो तो बाद वाला जो भाग होगा वो हेड वर्ड कहलाएगा और जो पहले वाला भाग होगा वो क्वालिफायर कहलाएगा। अब अगर क्वालिफायर देखें तो क्वालिफायर का मतलब क्या हुआ? इस हेड वर्ड का, उस नाउन का विशेषता बताता है। क्वालिफायर के भी तीन भाग होते हैं। क्वालिफायर के तीन भाग कौन कौन से हैं? डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज। तो इस तरह से तीन भाग होते हैं इसके क्वालिफायर के, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज। दोनों उदाहरणों के माध्यम से हम इसको देख सकते हैं। इसमें एक दो, अर्थात इसमें दो शब्द हैं, तो इसको जो है हिज और सिस्टर दो पार्ट में है जो सब्जेक्ट हमारा। तो जो हिज होगा वो कहलाएगा क्या? क्वालिफायर। और जो सिस्टर है वो क्या कहलाएगा? हेड वर्ड। अगर ऊपर वाले उदाहरण में देखा है ब्लाइंड बॉय, ब्लाइंड बॉय का मतलब उसमें तीन शब्द हैं, तो जो बॉय होगा वो क्या होगा? हेड वर्ड कहलाएगा। और जो ब्लाइंड होगा ये क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा, ए डी जे एडजेक्टिव कहलाएगा। और उसके पहले जो ए है ये क्या कहलाएगा? डिटरमाइनर कहलाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी दिए गए सेंटेंस में सब्जेक्ट ढूंढेंगे और सब्जेक्ट के साथ साथ उसके भी कितने भाग होते हैं उसको भी हम बड़ी आसानी से तलाश लेंगे, पहचान लेंगे। मैं आशा करता हूं कि ये जो टॉपिक है वो आपको बेहतर समझ में आया होगा और बड़ी आसानी से आप किसी भी वाक्य में पहले सब्जेक्ट पहचान सकते हैं और फिर सब्जेक्ट के अलग अलग
भावों को पहचान सके। आज के लिए बस इतना ही, बाकी फिर कल मिलते हैं।